हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपेन गोगोई, टेक्निकल एनालिस्ट ऑफ एलाइसब्लू। सो आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल। तो देखेंगे कहां पे एंट्री हो सकता है। तो जैसे कल बताया था, मैंने टारगेट दिया था 4085, तो यहां पे आप देख सकते हैं उसका बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया। तो देखेंगे आज कहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे पहले लार्ज टाइम फ्रेम, जैसे डेली चार्ट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली चार्ट में स्टिल जो प्राइस है क्रूड ऑयल अभी भी नीचे डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, राइट। क्यों डाउन ट्रेंड में चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते 50 मूविंग एवरेज अभी भी 150 मूविंग एवरेज के नीचे में ही है, राइट। यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिला है कि अभी भी क्रूड ऑयल डाउन ट्रेंड में है, राइट। तो इसका हिसाब से हमें मिला हुआ है एक रेजिस्टेंस, राइट। ये 200 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है। जैसे आप कल देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर गया और फिर से नीचे आया, और आज देख सकते हैं गैप अप ओपन हुआ है। तो ये आप देखेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे क्या चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो ये थोड़ा मूविंग एवरेज ज्यादा है, आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए मैं दूसरा एक चार्ट ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल डेली चार्ट। तो यहाँ पे हमें एक चार्ट पैटर्न मिला हुआ है, तो लेट मी शो यू, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बोलता है असेंडिंग ट्राइंगल। सो थोड़ा इंडिकेटर के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको नॉलेज भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं असेंडिंग ट्राइंगल शेप क्या होता है, तीन तरफ का ट्राइंगल शेप होता है। थोड़ा हिंदी में थोड़ा खराब बोलने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो अगर थोड़ा समझने में दिक्कत होता तो फिर से आपकी हिसाब से करेक्ट कर लीजिए, लेकिन ये स्ट्रेटेजी गलती से मत सीखिए, राइट। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला हुआ है ट्रायंगल शेप, राइट। ट्रायंगल शेप जो ट्रायंगल शेप होता है, थ्री टाइप होता है ट्रायंगल शेप। तो इसमें होता है असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब ये होता है मार्केट ऐसे जैसे दिया हुआ है तो एक हायर पॉइंट बना लेता है, राइट। तो उसका बाद नीचे आ जाता है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन रहता है जिसको हम रेजिस्टेंस लाइन बोलता है। उसका बाद ये फर्स्ट टेस्ट किया हुआ है तोड़ने के लिए, राइट। सेकंड टेस्ट तोड़ने के लिए फेल हो जाता है, फिर से नीचे आता है और थर्ड ट्राई होता है, राइट। तो ऐसा रहता है। तो यहाँ पे मतलब ये एक पैरेलल लाइन होता है और इसको बार बार तोड़ने का कोशिश कर रहा है। और नेक्स्ट में क्या होता है, ये जो सेलर है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहता है। तो इसको कनेक्ट करेंगे तो एक ट्राइंगल शेप मिलता है। इसको ट्राइंगल शेप को हम बोल सकते हैं असेंडिंग ट्राइंगल, राइट। और डिसेंडिंग सिमिलियरली ऐसे जैसे होता है सपोर्टिंग लाइन होता है, राइट, रिमेम्बर। और प्राइस ड्रॉप होता है, फिर से बाउंस होता है, ड्रॉप होता है, बाउंस थोड़ा कम होता है, ड्रॉप होता है, बाउंस कम होता है, उसका बाद ब्रेकआउट होता है। तो इसको कनेक्ट करेंगे तो ऐसा एक डिसेंडिंग ट्राइंगल मिलता है हमें। और तीसरा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, राइट, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर नीचे ऐसा होता है, राइट। तो इसको कनेक्ट करेंगे तो ये सिमेट्रिक ट्राइंगल। तो इसमें आप डिफरेंस क्या होता है, सो जो सिमेट्रिक होता है उसका लोअर लो लोअर हाई बनता है। देखा आपने, लोअर हाई बना के जा रहा है और ये हायर लो बना के जा रहा है, राइट। लेकिन असेंडिंग में क्या होता है, एक फिक्स लाइन होता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलता है। रेजिस्टेंस वो पैरेलल होता है और यहाँ पे स्लोप होता है, डायगोनल होता है, राइट। यहाँ पे भी डायगोनल, लेकिन यहाँ पे डायगोनल स्लोप होता है असेंडिंग में। और डिसेंडिंग में ये फिक्स पैरेलल लाइन होता है और धीरे धीरे प्राइस नीचे आता रहता है, राइट। ये हो गया। तो यहाँ पे हमें मिला हुआ क्या है, हम कनेक्ट करना चाहता है, राइट। तो इसमें मैं कनेक्ट करके देता हूँ आपको, सॉरी, तो आपको दिखा देता हूँ, राइट। ये हो गया हमें पैरेलल लाइन, राइट। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट नीचे आया ऊपर, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ से लाइक ऐसा भी हो सकता है। तो अगर इसको कनेक्ट करे तो हमें कौन सा मिला, ये वाला ट्राइंगल मिला। इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ट्राइंगल। और इसका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है इसका ब्रेकआउट, राइट। इसको ब्रेकआउट होगा तो हम बाय करेंगे। जैसे इसको ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे हमें बाय मिलेगा, राइट। तो और लार्ज टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं, इसको हम अगर कनेक्ट करें तो लार्ज टाइम फ्रेम, जस्ट अ मिनट, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ,
हायर पॉइंट को, राइट आप देख सकते हैं ये, और यहाँ पे हमें क्या मिला, एक डिसेंडिंग ट्रेंड, राइट धीरे धीरे इसका बायर नीचे आ, थोड़ा नीचे आके और तोड़ सकता है, और ये होगा डिसेंगल ट्राइंगल से, सॉरी असेंडिंग ट्राइंगल से, राइट। तो ये हमें एक मिल गया। तो अभी हम लेके चलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिल गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है 408, राइट। तो यहाँ पे भी थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, ये हमें डिसेंडिंग का, सॉरी असेंडिंग का ये मिला रेजिस्टेंस, और अभी देख सकते हैं आप इसे ऐसे मार्केट जा रहा है, यहाँ से पुल डाउन फिर से हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट कर दिया तो हम बाय में जाएंगे, राइट। और यहाँ से अगर हमें सेल सिग्नल मिला तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा इधर आ सकता है, तो ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बना सकता है, राइट, एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बना सकता है। तो इसलिए हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगा क्या, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ही हमको ट्रेड करना है, और ये हमें मिल गया क्या अभी ट्रेडिंग जोन, ये हमें मिला अभी ट्रेडिंग जोन, राइट। सो हम देखेंगे अभी बाय और एंट्री के लिए, राइट। और अभी आप देखेंगे तो 15 मिनट में, सॉरी 4 आवर में, तो आप देख सकते हैं जैसे आपने पहले वीडियो में मैंने बताया था 4 आवर में इसे डबल बॉटम पैटर्न बनाया, उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया और टारगेट यहाँ पे था, ऑलरेडी वी रिसीव्ड द टारगेट एंड आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट बाय अबव दैट एरिया, राइट। सो यहाँ पे हमें इसका ऊपर हमें बाय के लिए ढूंढ रहा, वेट कर रहा हूँ, और नहीं तो अगर हमें सेल सिग्नल मिला तो यहाँ से सेल करेंगे यहाँ तक, क्योंकि ये डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म होने जा रहा है, राइट, सॉरी असेंडिंग ट्राइंगल, बार बार मेरे को मेरे से डिसेंडिंग आ रहा है, ये असेंडिंग, राइट, ये असेंडिंग ट्राइंगल सेप हो रहा है। तो यहाँ से फिर से हमें बाय ढूंढेंगे बाय के लिए, राइट। तो अभी हम देखते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम 15 मिनट, तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं मार्केट ये है, राइट। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ भी सकता है, अगर नीचे आ गया तो हमें क्या मिला, एक लाइक दैट, राइट। तो ये लार्ज टाइम फ्रेम में ये है लार्ज टाइम फ्रेम, राइट, और ये थोड़ा मार्केट नीचे आ रहा है, और यहां से अभी मार्केट ये पोर्शन में है ना, तो मतलब यहां पे है मार्केट लार्ज टाइम फ्रेम H4 और डेली चार्ट में, राइट, ये सेट में है। तो यहां से हमें सेल मिला तो यहां तक हम सेल ले सकते हैं, यहां तक, तो मतलब अगर यहां से सेल लिया तो यहां तक ले सकता है, क्योंकि ये सपोर्टिंग लाइन का आसपास है, राइट। तो यहां से हम निकाल देंगे, क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में चल रहा है, और अगर ये नीचे नहीं आया, सपोज ये नीचे नहीं आया, राइट, सो मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, इसको ये नीचे नहीं आया और सीधा ऊपर चला गया, इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो इसका हिसाब से मतलब ये नीचे नहीं आया लार्ज टाइम फ्रेम में, लार्ज टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये हम ये नीचे नहीं आया और इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया हम बाय में जा सकता है, राइट। और इसको अगर नीचे आ गया, इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो थोड़ा बहुत हम सेल से जा सकता है, तो इसके लिए, राइट। तो हमें सेल एंट्री कहाँ मिला, इधर मिला एक और इधर मिला, इधर मुझे सेल नहीं जाना है क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे बाय जाएंगे और ये बाय होता है हाई प्रोबेबिलिटी, लेकिन अभी बाय में मत घुसना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी रेजिस्टेंस का नीचे में ही है, तो अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकअप किया तो हम बाय करेंगे, क्योंकि कभी भी मार्केट में घुसो मत, राइट। हमें पॉइंट चाहिए जहां पे हम एंट्री कर सकते हैं, जैसे हमें एंट्री पॉइंट यहाँ पे मिला, ये एरिया में ब्रेकआउट किया तो बाय आएंगे, सेल आएंगे तो यहाँ पे, और नेक्स्ट अगर मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पे हमें बाय एंट्री मिला तो यहाँ पे बाय एंट्री जा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी अगेन ऊपर जाने का, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।